इधर मुंबई से भी ऐसी ही खबर है, जहां पॉश प्रभा देवी में पिज्जा डिलीवरी के लिए घर गए लड़के ने एक महिला का बलात्कार करने की कोशिश की। आरोपी नाबालिग है। डिलीवरी के वक्त उसने देख लिया था कि लड़की घर में अकेली है, तभी उसने ये कोशिश की। मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग पिज्जा डिलीवरी बॉय को 22 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुंबई के वर्ली इलाके का ये पिज्जा कॉर्नर है और जो खबर यहाँ से आ रही है वो बताया जा रहा है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है हत्या की कोशिश, साथ ही बलात्कार की कोशिश और साथ ही रॉबरी के चार्जेस जो है उस पिज्जा डिलीवरी बॉय पर लगाया गया है। वारदात जो है वो 26 जून की बताई जा रही है। शाम के करीब 7:30 बजे के करीब एक अकेली लड़की, 22 साल की लड़की ने पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर जो है ये इसी पिज्जा कॉर्नर से दिया था। जब डिलीवरी दी तो उसने देखा कि ये महिला अकेली थी और 10 मिनट बाद फिर से वो आकर डिलीवरी मिसप्लेस हुई है इसके बारे में उसे कहने लगा और उसने इस कहने पर घर में एंट्री लिए और बाद में ये वारदात हुई है।